आप नहीं जा रहे भाई? मैं जा रहा हूँ। तो क्या देख रहे हैं? देख फिलहाल यही रहे हैं कि जिस तरीके से कहा जाता है फिर पार्टी कहा जाता है भाई, बोलो क्या हो गया जवान आदमी, क्या हो गया? मैं बोल रहा हूँ सर, मैं आपकी भी राय जानना चाह रहा हूँ ना, आपको क्या लगता है जिस तरीके से हर दफा कहा जाता है? तो मैंने तो बात बोला है, आप बताओ कि क्या देख रहे हो भाई? मैं तो आजकल बाहर नहीं जा रहा। ये भी एक कहा जाता है कि जख्मी शेर ज्यादा खतरनाक होता है, तो आपको लोग देख रहे हैं, आपको जो है मैं इंसान हूँ। आप जिस सवाल का जवाब आपके पास बाहर फिरने के बावजूद नहीं है, तो मैं अपने घर में बैठ के आपको उसका जवाब दे देता हूँ। जी सर, फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही पाकिस्तान के मसाइल का हल है। लोगों को खुल के वोट करना चाहिए, अपनी राय का इजहार करना चाहिए, और लोगों की राय के मुताबिक एक नई गवर्नमेंट बननी चाहिए और पाकिस्तान का भी बनना चाहिए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन आपको होते नज़र आ रहे हैं? पीटीआई को प्रॉपर जिस तरीके से 11th प्लेइंग फील्ड वो दी जाएगी आपको नज़र आ रहा है? देखिए मैं तो अभी रिपोर्टिंग नहीं कर रहा, आप लोग कर रहे हैं फील्ड में जाके, आपको क्या नज़र आ रहा है? कहा तो ये जाता है हर साल, हर 5 साल बाद जब इलेक्शन होते हैं कि अच्छे फेयर इलेक्शन होंगे, लेकिन नजर नहीं। बोल क्या हो गया सर? मैं ये कह रहा हूँ कहा जाता। एक मिनट, आप नहीं जा रहे भाई? मैं जा रहा हूँ। तो क्या देख रहे हैं? देख फिलहाल यही रहे हैं कि जिस तरीके से कहा जाता है फिर पार्टी कहा जाता है भाई, बोलो क्या हो गया जवान आदमी, क्या हो गया? मैं बोल रहा हूँ सर, मैं आपकी भी राय जानना चाह रहा हूँ ना, आपको क्या लगता है जिस तरीके से हर दफा कहा जाता है? तो मैंने तो बात बोला है, आप बताओ कि क्या देख रहे हो भाई? मैं तो आजकल बाहर नहीं जा रहा। सर आपसे इंस्पिरेशन लेना है, आपसे ही हौसला है। अच्छा ये भी एक कहा जाता है कि जख्मी शेर ज्यादा खतरनाक होता है, तो आपको लोग देख रहे हैं, आपको जो है मैं इंसान हूँ, मैं इंसान हूँ और सबसे ज्यादा अल्लाह ने मुझे जब अशरफुल मखलूकात बनाया तो मैं वही रहना चाहूंगा। जहाँ तक आप कह रहे हैं ना, वो जिस सवाल का जवाब आपके पास बाहर फिरने के बावजूद नहीं है, तो मैं अपने घर में बैठ के आपको उसका जवाब दे देता हूँ। जी सर, फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही पाकिस्तान के मसाइल का हल है, वो होने चाहिए। फिलहाल और सारी शिकायत पॉलिटिकल पार्टीज की हैं और हर इलेक्शन में होती है। इस दफ़ा बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाई दे रही हैं जो हमने पहले नहीं देखी। मेरे ख्याल में जो इसके बेनिफिशरी हैं, जो मियां साहब बेनिफिशरी हैं, इस दफ़ा फील हो रहा है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इकतदार में आने की पूरे पर तोल चुके हैं, तैयारी कर रहे हैं। लेकिन क्या मियां साहब एक ऐसे इकतदार में आना चाहेंगे जिसमें सारे उनको इस नज़र से देखेंगे कि ये वोट से नहीं है? अच्छा ये आपको क्या लगता है कि नून लीग की हुकूमत ही बनेगी खालिस्तान या इराक कोई ऐसी हुकूमत होगी? ये तो लोग डिसाइड करेंगे पाकिस्तान। लास्ट ईयर जाते थे बताते हैं, ये उस्मान डार की वालदा की कल वीडियो वायरल हुई, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। देखें माएँ सबकी साझी होती हैं ना, और माँ की इज्जत और एहतराम होना चाहिए, माएँ सबकी साझी होती हैं। जिन पुलिस वालों ने ये किया, इवन जो लोग उस्मान डार से इख्तलाफ रखते हैं वो भी यही कह रहे हैं, जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ से इख्तलाफ रखते हैं वो भी यही कह रहे हैं कि इन अहलकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और इंक्वायरी होनी चाहिए, और ये होनी चाहिए। देखें जहाँ तक नहीं लेकर जाना चाहिए मामले को, और ये अच्छी रवायत नहीं है और हमारे मुआशरे की रवायत है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।